कई दिनों से चल रही सियासी अटकलों के बीच बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये चौथी बार है जब बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। येदियुरप्पा अब तक चार बार सीएम बन चुके हैं, लेकिन कभी भी अपने पांच साल पूरे नहीं कर पाए। सिर्फ येदियुरप्पा ही नहीं, उत्तराखंड की तरह ही कर्नाटक में भी बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। येदियुरप्पा के अलावा बीजेपी की ओर से जगदीश शेट्टार और डीवी सदानंद गौड़ा भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये दोनों नेता भी पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा चार बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पर उन्होंने कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। सबसे पहले 12 नवंबर 2007 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, लेकिन महज सात दिन बाद 19 नवंबर 2007 को ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 30 मई 2008 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते इस बार 4 अगस्त 2011 को इस्तीफा दिया। तीसरी बार 17 मई 2018 को मुख्यमंत्री बने और फिर महज 6 दिन बाद 23 मई 2018 को इस्तीफा हो गया। चौथी बार 26 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री बने और ठीक दो साल बाद 26 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया। इस बीच बीजेपी के ही सदानंद गौड़ा 4 अगस्त 2011 से लेकर 12 जुलाई 2012 और जगदीश शेट्टार 12 जुलाई 2012 से लेकर 12 मई 2013 तक बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बने, पर कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। कर्नाटक के सियासी इतिहास में सिर्फ 3 सीएम रहे हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। एस निजलिगंपा, डी देवराजा उर्स और सिद्धरमैया ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तीनों कांग्रेस के नेता हैं। तो सवाल यही है कि आखिर क्यों बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल कर्नाटक में पूरा नहीं कर पाता है। ABP News आपको रखे आगे।